हाय फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है सुशांत और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, इस तरह स्टार्टअप वीडियो बनाने के लिए मैं जो जो PNG और मटेरियल यूज किया हूँ सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, आप जाइए डाउनलोड करिए। और दोस्त, इस स्टार्टअप वीडियो को बनाने के लिए मुझे चार ऐप की ज़रूरत पड़ा है। पहला है यूट्यूब, दूसरा है रेमिनी, तीसरा है लाइट रूम और चौथा है हमारा स्टार्टअप एडिटिंग का ऐप लाइट मोशन। तो अगर आप छोटी सी स्टेप भी मिस करोगे तो ये स्टार्टअप वीडियो को नहीं बना पाओगे, इसीलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है और लास्ट तक देख के वीडियो को समझना है, उसके बाद जाके आपको स्टार्टअप एडिटिंग का प्रोसेस शुरू करना है। चाहे तो बीच बीच में आप पॉज करके आपका स्टार्टअप एडिटिंग का काम कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाएगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया तो या सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्टअप एडिटिंग का काम पहले शुरू करते हैं। स्टार्टअप का शुरुआत होता है दोस्त यूट्यूब से। आप यूट्यूब खोल लेना और जिस सॉन्ग पर अपना स्टार्टअप वीडियो बनाना चाहते हो उस सॉन्ग को सर्च कर लेना और उस सॉन्ग का वीडियो को प्ले कर लेना। पर्टिकुलर पार्ट पर आपको पॉज कर देना है वीडियो और उसी टाइम आपकी वीडियो का रिजोल्यूशन हाई होना चाहिए, आप उसको हाई रख लेना और उसी वक्त एक स्क्रीनशॉट आपको उसी वीडियो से ले लेना है। याद रहे उसी टाइम बैकग्राउंड में कुछ नहीं होना चाहिए और जूम टू फिल करके वीडियो को लैंडस्केप मोड में उसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। उसके बाद खोल लेना है रेमिनी ऐप, ये बेसिकली फ़ोटो को HD करता है। आप उसको खोल लेना है और उसी फ़ोटो को क्लिक करके आप उसको HD बना देना है। उसके बाद कुछ आर्ट प्रोसेसिंग हुआ, आप इस आर्ट को देख लीजिए और उसके बाद आपका फ़ोटो HD में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको दो बार रेमिनी में डाल के और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। देख सकते हो आप उसका क्वालिटी कितना इंक्रीज हो गया। उसके बाद चले जाना है दोस्त गैलरी पे और गैलरी पे जाके उस फोटो को जो एज में थोड़ी थोड़ी ब्लैक दिखाई दे रहा है उसी ब्लैक को आपको क्रॉप कर लेना है। दोनों साइड से क्रॉप कर लेना है, ऊपर से नीचे से और ऐसे चारों साइड से जितनी पार्ट बच गया है उस पार्ट को क्रॉप कर लेना और उसको सेव कर देना। उसको सेव करके उसी फोटो को आपको सेंड कर देना है लाइट रूम एप्लीकेशन पर। बेसिकली लाइट रूम पर फोटो एडिटिंग होता है और वहाँ पर हमने फ़ोटो को और भी ज़्यादा क्लैरिटी देंगे और भी ज़्यादा उसका क्वालिटी स्मूथनेस में एनहांस करेंगे। तो उसके लिए आपको ऑटो बटन पर क्लिक कर देना है और फिर से आपको लाइट सेक्शन पर जाना है, उसका लाइट थोड़ा बढ़ा देना है एक्सपोज और कलर पे चले आना है। मैं जिस तरह कर रहा हूँ एडिटिंग, आप भी इस तरह थोड़ी थोड़ी एडिटिंग कर लेना ताकि फ़ोटो में कलर अच्छी कॉम्बिनेशन आ जाए। और कलर सेक्शन में चले जाना, रेड कलर का ह्यू जो माइनस कर देना, सैचुरेशन को थोड़ी सी बढ़ा देना, लुमिनियस को थोड़ी सी माइनस कर देना और इस तरह आपकी जो एक्टर एक्ट्रेस का लिप में पिंक कलर सा दिखाई देगा जिसमें कि फ़ोटो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। उसके बाद डन पर क्लिक कर देना। और भी छोटी मोटी कलर आप थोड़ी बहुत एडिट कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब डन पर क्लिक कर देना। और फिर से आपको चले जाना है इफेक्ट सेक्शन पे, वहाँ पे टेक्सचर को थोड़ी सी बढ़ा देना, क्लैरिटी को थोड़ी सी बढ़ा देना, बस उतने में ही। उसको डन पर क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको आ जाना है। डिटेल्स को थोड़ी सी बढ़ा देना और नीचे जो डिटेल्स दिखाई दे रहा है उसको थोड़ी सी बढ़ा देना चाहे तो, नहीं तो नहीं ऐसे रख सकते हो। नॉइज रिड्यूशन को फुल हाई करना, कंट्रास्ट को थोड़ी सी बढ़ाना और कलर नॉइज रिड्यूशन उसको फुल कर देना और स्मूथनेस को भी हाई कर देना। उसके बाद फ़ोटो में स्मूथनेस आ जाएगा। आप इस फोटो को और कुछ नहीं करना है, आप इस फोटो को सेव कर लीजिए शेयर ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद हमारी मेन स्टार्टअप एडिटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। हमको ओपन कर लेना है लाइट मोशन ऐप। आप जिस रिजोल्यूशन पर वीडियो बनाना चाहते हो उस रिजोल्यूशन को सिलेक्शन कर लो और आप फ्रेम रेट जितना रखना चाहते हो उसी हिसाब से फ्रेम रेट रख लो और बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर देना। उसी फोटो को फिर से ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर लेना और उसको मूव एंड ट्रांसफॉर्मेशन ये ऑप्शन पर क्लिक करके थर्ड ऑप्शन को चूज करना है और उसको बढ़ा देना। इसे जूम टू फिल मत कर देना। अब मैं जिस हिसाब से बड़ा कर रहा हूँ फोटो, आप उसको इस तरह बड़ा कीजिए और फास्ट पर एक प्लस आइकन दे देना। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर फास्ट ऑप्शन पर एक प्लस आइकन दे देना और फोटो को कुछ इस तरह राइट साइड में ड्रैग कर लेना
और वहाँ पर एक प्लस आइकन देख के बीचों बीच आ जाना, एक प्लस आइकन दे देना और उसको थोड़ी सी ऐसे लेफ्ट की तरफ ड्रैग करना, और फिर से लास्ट में एक प्लस आइकन दे के उसको फिर से राइट की तरफ ड्रैग कर देना। उसके बाद हो गया इसी फोटो पर हमारा ट्रांजैक्शन आर्ट। और दोस्त वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो और यूट्यूब का टिप्स वीडियो भी देता हूँ। मेरे साथ जुड़ी रहने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद उस टाइमर ऑप्शन पर क्लिक करके उसको माइनस कर देना, उसका लेंथ बढ़ा जाएगा। एक संग आर्ट कर लेना जिस संग पर अपने वीडियो बनाना चाहते हो, जिस संग को हमने यूट्यूब पर सर्च किया था, स्क्रीनशॉट लिया था पिक्चर का, उसी संग को ऐड कर देना। उसका रिंगटोन वर्जन डाउनलोड कर लेना आप गूगल से। एक सेप ले लेना है सबसे पहले, और उसका कलर एंड फिल पर जाना। थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके लेफ्ट कलर को जो ब्लैक रखना है और राइट कलर को वाइट रखना, कुछ इस तरह का मूवमेंट देना है। ब्लैक कलर को हम हटाएंगे तो ब्लैक कलर पर क्लिक करना, ऐसे सेकेंड ऑप्शन पर जाना और उसको फुल माइनस कर देना, उसका टेम्परेट हो जाएगा ये कलर, ऐसे ही वाइट कलर ही रहेगा। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन पर जाके थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना और उसका वाइट को बढ़ाना, हाइट मत बढ़ाना, उसका वेट को बढ़ा देना कुछ इस तरह, और उसको नीचे की तरफ ले आना, ये हो गया। उसके बाद देखिए थोड़ी थोड़ी ब्लैक दिखाई दे रहा है, जिसमें कि मैंने एक गलती कर दिया था। कलर फिल ऑप्शन पर जाके उसका जो ट्रांसपेरेंट फुल नहीं किया था, उसके बाद मैं उसको फिर से माइनस कर देता हूँ पूरा, ऐसे माइनस कर देना आपको पूरा लास्ट, तो ब्लैक कलर फुल हट जाएगा। तो लास्ट तक चले जाना और सम के हिसाब से सारी की सारी लेंथ को आपको एडजस्ट कर लेना है। ये बड़ा हो गया था तो उसको क्लिक करके टाइमर ऑप्शन पर क्लिक करके उसको छोटा करना है, ऐसे कट मत लगा देना, ट्रांजैक्शन बिगड़ जाएगा। वहाँ से दोस्त शुरू होता है हमारा मेन प्रोसेस जो कि लिरिक्स एडिटिंग का प्रोसेस, उसको आपको ध्यान से देख लेना होगा। बाकी का काम तो आप शायद कर सकते हो, लेकिन लिरिक्स एडिटिंग का काम थोड़ी सी दिक्कत होता है, तो इसलिए इस पार्ट को आप ध्यान से देखना। उसके बाद अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पर अपना वीडियो बनाना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म पर अगर आपका अकाउंट है, मेरा इंस्टा पर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं मेरा इंस्टा चैनल के नाम लिख लेता हूँ। मेरा इंस्टा आईडी का नाम है इंस्टा एस रोमांटिक हो, आप सर्च कर सकते हो इंस्टा पर और मुझे फॉलो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूँगा। आप लोगो लगा देना अगर आप लोगो लगाना चाहते हो, उसका कलर ब्लैक रखना और उसको थोड़ी सी बढ़ा करके इसे नीचे की तरफ ले आना और उसका पोजीशन अच्छे से फिक्स कर देना। उसके बाद उसको भी लास्ट तक जाके लेंथ के हिसाब से बड़ा कर लेना। सब काम आपको टाइमर बटन के हिसाब से करना है, नहीं तो ट्रांजैक्शन बिगड़ जाएगा। इसे आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके हमारा फास्ट लिरिक्स लिखना है। मेरा फास्ट लिरिक्स है दीवाना मैं, उसके बाद ये लिख लिया मैंने, और मैंने जिस फ़ोन को ऐड किया हूँ उस फ़ोन का लिंक भी दे दूँगा, आप उसको ऐड कर सकते हो। और उसको भी कुछ इसे नीचे की तरफ ले आना, और मूव एंड ट्रांसफॉर्मेशन का जो थर्ड ऑप्शन उसको आपको चूज करना है। फास्ट पर एक प्लस आइकन देके उसको जूम करना है कुछ इस तरह, उसके बाद उसका सेंटर में आ जाना है, वहाँ पर एक प्लस आइकन दे देना है और उसको बिल्कुल स्क्रीन के हिसाब से नॉर्मल कर देना है, मैं जैसे कर रहा हूँ। उसके बाद लास्ट पर एक प्लस आइकन दे देना और उसको और भी थोड़ा छोटा कर लेना। फास्ट और सेकंड की प्लस आइकन के बीचों बीच आ जाना, वहाँ पर हम एक कर्व ऐड करेंगे। उसके पहले आप ये जो साइड साइड में प्लस आइकन उसको भी थोड़ी थोड़ी एडजस्ट कर लेना। उसके बाद फास्ट और सेकंड ऑप्शन के बीच में आना और कुछ इस तरह का कर्व दे देना, उसके ऑपोजिट साइड में भी ऑपोजिट कर्व दे देना। उसके बाद और एक इफेक्ट वहाँ पर हम ऐड करेंगे, इसके लिए इफेक्ट सेक्शन पर जाना, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना और वहाँ से सर्च करना मोशन ब्लर। मोशन ब्लर नाम से एक इफेक्ट मिल जा रहा है, उसको ऐड कर लेना, उसका ट्यून को हाई कर देना। उसके बाद फिर से हम इफेक्ट सेक्शन पर जाएंगे और एक इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम है स्ट्रिप। आप ध्यान से देखते रहिए नहीं तो ट्रांजैक्शन बिगड़ जाएगा। आप ये स्ट्रिप को ऐड कर लेना और उसको ओपन करना, उसका फास्ट ऑप्शन को पूरा माइनस कर देना और सेकंड ऑप्शन को 0.15 रख लेना और एंगल को 45 डिग्री ही रहना देना। और नीचे जो फेज दिखाई दे रहा है इस पर आ जाना, फास्ट पर एक प्लस आइकन दे देना, उसको जीरो करना, लास्ट पर एक प्लस आइकन दे देना और उसको 1.00 ऐसे कर देना।
और उसके नीचे दिखाई दे रहा है देखिए कलर, ये कलर को आपको रेड रखना है, रेड कलर अच्छा दिखता है, रेड ही चूज कर लेता हूँ। उसके बाद हो गया फास्ट लिरिक्स हमारे ऐड, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्त कैसे दिखता है लिरिक्स। उसके बाद और एक इफेक्ट वहाँ पर हम ऐड करेंगे लास्ट में, उसके लिए फिर से उसी लेयर को आपको टच करना है और इफेक्ट सेक्शन पर जाना है। मैं जिस पॉइंट पर मेरा व्हाइट लाइन रख रहा हूँ आप उसी पॉइंट पर ही लाइन को रखिए और इफेक्ट पर जाए, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना और वहाँ पर सर्च करना डायरेक्शनल ब्लर, ये एक इफेक्ट मिल जाता है उसको ऐड करना, बहुत सिंपल है उसको यूज करना, उसी ऑप्शन को ओपन करना, उसी पॉइंट पर एक प्लस आइकन दे देना, उसको माइनस कर लेना फुल और लास्ट में एक प्लस आइकन देके मैं जिस तरह बढ़ा रहा हूँ आपको भी उस तरह बढ़ा लेना, फुल मत बढ़ाना नहीं तो ट्रांजैक्शन बिगड़ जाएगा। उसके बाद हमारा एक लिरिक्स हो गया ख़त्म। उसके बाद बाकी का जितने भी लिरिक्स रह गया है आप कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो। आई होप दोस्त ये स्टार्टस एडिटिंग का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और मैंने जितने भी छोटी छोटी ट्रांजैक्शन ऐड किया था सारी की सारी ट्रांजैक्शन को बारीकी से बताया हूँ और छोटी मोटी अगर गलती हो गया तो प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर देना। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि थोड़ी सी अगर वीडियो आप स्किप करोगे तो छोटी मोटी पार्ट को ऐसे मिस कर दोगे जिसमें कि आपकी स्टेटस प्रोफेशनल नहीं दिखेगा। बस दोस्तों मुझको जितना पता था मैंने सारी की सारी चीज़ बताया स्टेटस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ यार आप ये जो राइट साइड टॉप कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके आप उस स्टार्टर को एक्सपोर्ट कर दो और अपनी गैलरी में सेव कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।